या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, जितने बाहर हैं उन्हें पिंडाल के अंदर कर दे। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, मुझको मेरे आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। जब जी चाहे करूं रोज़े अतहर का तवाफ, जब जी चाहे करूं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। और सुनो, बावजू हो कि आप बैठे हैं, आका की मोहब्बत दिल में है। किसी ने कहा था कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में। नसीमे सुबह ने लाकर ज़कात उनके पसीने की, नसीमे सुबह ने लाकर ज़कात उनके पसीने की। तहफ़्फ़ुज़ के लिए रख दी गुलाबों में चमेली में, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रख दी गुलाबों में चमेली में। ये शेर मुझे पसंद है, पढ़े लिखे लोग पसंद करते हैं। एक बार हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोले, या हुसैन, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में। तलबा की नजर कर रहा हूँ, दबे पैरों अदब से बावजू है फिक्र दुनिया आ, दबे पैरों दबे पैरों अदब से बावजू ऐ फिक्र दुनिया आ, हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में, हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। दबे पैरों अदब से बावजू ऐ फिक्र दुनिया आ, हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। और गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया, गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया। हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में, हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में। जलसा आपका बहुत कामयाब है माशाल्लाह, और ये हुसैन आजम की नस्बत से है, हुसैन के नाम से मंसूब है। किसी ने कहा था फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। मौत थर थर कांपती है जिंदगी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है जिंदगी सजदे में है। और जिस नवासे के लिए नारा करे सजदा तवील, जिस नवासे के लिए नाना करें सजदा तवील, वो नवासा सर कटा के आज भी सजदे में है, वो नवासा सर कटा के आज भी सजदे में है। माशाल्लाह पब्लिक इतनी आई है, हालांकि इस कमेटी ने कोई जबरदस्त ऐलान नहीं किया, कोई इश्तिहार नहीं लगवाए गांव गांव, न ऐलान करवाए, लॉकडाउन की वजह से बड़ा मुख्तसर। लेकिन ये इन लोगों का खुलूस है, इखलास है। ढकिया वालों की शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आज से नहीं कई साल से होती है, लोग महीनों पहले से इंतजार करते हैं। माशाल्लाह सिर्फ जिला मुरादाबाद नहीं बल्कि दूसरों जिलों के लोग यहाँ मौजूद हैं, दूसरे जिलों के मदारिस के तलबा यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, अब परेशान ना हो, ये प्रोग्राम एकदम नपा तुला है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये प्रोग्राम इतना कामयाब होगा कि आप इंशाल्लाह कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। जलसा आपका कामयाबी की तरफ रवा दवा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और याद रखो, सारे दुनिया के दरख्तों के कलम बना दिए जाए, सारे दरियाओं के समंदर की पानी की स्याही बना दी जाए, कोई मेरे आका की तारीफ लिखना शुरू कर दे, समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, दरख्तों के कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। हजरात, तो कोई कहने वाला कहेगा यूसुफ रजा संभली, जब कबा हक्को नहीं कर सकते तो क्यों करते हैं? इसलिए मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेचने के लिए लाया गया था, बड़े बड़े अमीर आए थे, बादशाह आए थे, वहीं पे गरीब सूत की अटिया लेकर बुढ़िया आई थी। किसी ने कहा था मन चले ने, ए मां ये यूसुफ नहीं मिलेंगे, कहा वो तो नहीं मिलेंगे लेकिन जब कल मैदान महशर होगा, लोग आएंगे बादशाहों के नाम जहां खरीदारों में आएंगे, उसमें मुझ बुढ़िया का नाम भी निकल आएगा। माशाल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी बराओं शरीफ, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी बराओं शरीफ। आप समझ रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रहे, इन्हीं चार पांच मौलाना में वो भी हैं सुभान अल्लाह। अभी स्टेज पे आएंगे, माइक पे आएंगे, ये चादर ओढ़ के जो तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद अली फैजी साहब हैं। डायरेक्ट मैं इन्हीं को पेश करता हूँ। अच्छा, आप इन्हें सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज्बाती लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। आज वो भी बड़े मूड में हैं और आज ऐसा पढ़ेंगे कि आप कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। ये वो शायर है जिसने बहुत कम वक्त में पहचान बनाई है। ए
हुसैनी कमेटी वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, आज आपने जो महफिल सजाई है, कसम खुदा की ऐसा लगता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। तो फिर क्यों कुछ लोगों के अंदर सुस्ती छाई है, सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? अब उस शायर को बुलाता हूँ जो अपने अंदर वो कमाल लगता है, दिल में इश्क रसूल का जमाल लगता है, वो आप अपनी मिसाल लगता है, जिसकी नाश इश्क अकीदत और इश्क रसूल के चश्मे बलते हैं, जिसकी नातिया शायरी में फसाहत और बलागत की फरावानी, इश्क अकीदत की झोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की शैरानी, मौजों की तुगयानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी। अब आ रहे हैं जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी मद्दज़ुल्लोहु नूरानी। आइए आगे से पीछे तक, दाई से बाएं तक सारा मजमा, जिसको अल्लाह ने आधा हाथ सलामत दिया आधा हाथ उठा के बोलो, एक हाथ सलामत एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत दोनों हाथों को वदाओ में लहरा के बोलो, नारे तकबीर। मुफ्ती मोहम्मद जान साहब मुबारक हो, आपका जलसा बहुत कामयाब। हमारे तमाम ढकिया के उलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना सद्दाम साहब और कमेटी का एक एक फर्द बड़ा खुश है। मैं चाहता हूँ, देखिए अभी जगह है, थोड़ी देर में जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आएंगे जगह नहीं मिलेगी, सामने से हट जाएं, इधर आ जाएं, हट जाएं मेरे भाई, वहाँ से हट जाएं, बैठ जाएं, ना शरीफ को ना आपके अंदाज में बैठ कर सुनिए, वहाँ से हट जाइए और बीच में गेट में जो भाई खड़े हैं हट जाएं, दोनों हाथों को वदाओ में लहरा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सर जमीन ढकिया जिला मुरादाबाद, कारी मोहम्मद अली साहिब कुला फैजी, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं के नाम की खुशबू मेरी जबान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, ये हमेशा उदास रहता है, जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है।